मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, वो क्या है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। देखना क्या है कि कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है, तो ये फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर है एक्स, एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। तो पहले हम लोग ए में कौन कौन से एलिमेंट है ये फाइंड कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का एक तरीका बहुत आसान है, हम लोग नाइन टेंथ एट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से निकाल लो, क्या पहले क्या करते हैं, ट्वेल्व इंटू वन, ट्वेल्व वन, ट्वेल्व को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि ऐड करने पर कितना है माइनस एट एक्स। तो 12 को 6 और 2 में कर लेते हैं, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सर आप बच्चे की तरह बता रहे हो, हाँ चलो कभी कभी करना चाहिए। x कॉमन आ गया ना, x माइनस सिक्स, यहाँ से माइनस टू कॉमन, x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये x माइनस सिक्स हो गया और x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना है सिक्स और टू, तो ये x है इक्वल टू किसके बराबर, a, a इज इक्वल टू सिक्स टू आ गया। अब देखो a, a में सिक्स और टू है, b में भी सिक्स और टू है, मतलब ये क्या है, a है किसका, a इज अ सबसेट ऑफ b, a का सारा एलिमेंट b में है, तो b का ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। और किसी में है क्या, हाँ इसमें भी c में भी है, तो ये किसका सबसेट हो गया, a किसका c का भी हो गया, ठीक है। और किसी में क्या, d क्या है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो b, b की बात करें तो b में क्या है, टू फोर सिक्स, और c में भी टू फोर सिक्स है, तो b क्या होगा, c का एक सबसेट होगा, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। c किसी का सबसेट है क्या, नहीं, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट किसी में भी नहीं है। d, d की बात करते हैं, d में क्या है सिक्स है, b में भी सिक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं d इज अ सबसेट ऑफ b। और d किसका है, D किस में है? और C में भी अवेलेबल है, तो इसको ये भी कर सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ C, इसको एक एक में लिख लो, इसी को कर दो ना, B क्या है सबसेट है C का, तो इससे भी पता चल जाएगा D इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, देयरफॉर D इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। और कोई है क्या, नहीं, तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आया, ठीक है। कौन कौन सा, ये एक दूसरे का सबसेट है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, डी सबसेट है बी का, और बी सबसेट है सी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एग्जाम्पल, ठीक है। तो यानी कि ये जो रिजल्ट है ट्रू फॉल्स का, उसको हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। पहला कंडीशन क्या है, x बिलोंग टू a, तो मान लेते हैं एक a, हम जब भी आप कोई सेट कंसीडर करेंगे ना, तो एकदम सिंपल शुरू करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर से शुरू करो, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, होल नंबर से शुरू करो जीरो, मतलब एकदम सिंपल वे में होना चाहिए। तो मान लो, तो लेते हैं कि हम लोग a इक्वल टू जीरो वन ले लिया, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, एंड a बिलोंग टू b, अब ये जो a का पूरा सेट है वो b से बिलोंग करता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए लेना है, ठीक है। मान लो b ले लिया हमने 2 0 1 3, ठीक है, इस तरीके से, और फिर क्या है, देन कह रहा है कि देन x बिलोंग टू b, तो ये जो x होगा इसमें से वो b से भी बिलोंग करे, ये हम लोग को निकालना है। तो मान लो यहाँ से हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया, एक्स मतलब क्या, एक एलिमेंट, ए का एक एलिमेंट ले लिया जीरो, क्लियर। जीरो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, क्यों, क्योंकि ए में क्या है, जीरो और वन भी है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे क्या कि जीरो अब ए से बिलोंग किया, हम लोग को दिखाना है क्या कि ये जो एक्स है यानी कि ये जीरो, वो बी में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये जो जीरो है ये बिलोंग कर रहा है, नहीं, डजेंट बिलोंग टू बी, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, ए जीरो में, जीरो एक एलिमेंट है ए में, ठीक है, और बी की बात करें तो ये जीरो और वन के साथ एक सेट है, ठीक है, एक सेट है, ना कि यहाँ पर एलिमेंट है, ये जीरो और वन का कॉम्बिनेशन पूरा एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, यहां हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये जो जीरो है वो बी में शामिल है, शामिल नहीं है, ठीक है, इसलिए जीरो डजेंट बिलोंग टू बी। अब यहां पर कह रहा था एक्स बिलोंग टू बी और यहां पर जीरो डजेंट बिलोंग टू बी, ये स्टेटमेंट क्या सही है क्या? नहीं, देयरफॉर ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर, तो हमारा सेकंड है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जैसा कह रहा है वैसे कंसिडर करते चलो, मानते लेट ए इज इक्वल टू थ्री, एक हमने क्या लिया सेट लिया, ठीक है, और ए क्या होना चाहिए बी का सबसेट होना चाहिए, तो बी हम लोग ले लिए थ्री फोर, यह है ना ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है, बी बिलोंग्स टू सी, तो सी एक हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट, सपोज इस तरीके का वन टू, और बी उसमें शामिल होना चाहिए, तो ये थ्री फोर, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तो ठीक है कि थ्री इसमें भी है इसमें भी है, ठीक। फिर कंडीशन क्या है कि बी बिलोंग टू सी, बी ये जो पूरा सेट ऑफ थ्री फोर है ये सी से बिलोंग करना चाहिए, सही है, ठीक है। चेक क्या करना है, देन ए बिलोंग टू सी, ठीक है, ए बिलोंग्स करना चाहिए किससे, सी से, तो ए हमारे पास क्या है थ्री। अब सी में देखो, सी में कहीं दिख रहा है क्या थ्री, ये थ्री नहीं दिख रहा है, क्यों ये, अब इसको ध्यान मत देना, ये थ्री और फोर के साथ एक सेट है, ठीक है, जबकि ये थ्री क्या है यहां पर एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये थ्री एलिमेंट सी में नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, थ्री डजेंट बिलोंग टू सी, ठीक है, इसलिए क्या हुआ ए डजेंट बिलोंग टू सी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या निकला हमारा, फॉल्स निकला, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत डेंजर एक्सरसाइज कह सकते हैं हम लोग सेट थ्योरी का, ठीक है, एक एक कदम फूंक फूंक कर आपको रखना पड़ेगा, मतलब क्या आपको वीडियो को तीन से चार बार जब तक नहीं समझ में आया तब तक देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतना ही बार प्रैक्टिस करोगे तभी मेसलेनियस समझ में आएगा। ये मेसलेनियस उसी तरीके का है जैसे टेंथ में हम लोगों का क्या था एक्सरसाइज, एक ऑप्शनल आता था, देखते थे उसमें क्या क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा दिया करता था, दिस इज जस्ट सिमिलर टू दैट एक्सरसाइज, ठीक है। थ्री क्या है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है, तो जैसा आपको गिवन है उसी तरीके से आप सेट मान लो, ए इज इक्वल टू वन टू है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ए के ही मानकर चलो ना, क्या है आसानी से बनेगा, बी इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं क्या वन टू थ्री, ठीक है, और थर्ड क्या है, बी सबसेट होना चाहिए किसका, सी का, तो सी एक हम लोग ले लेंगे क्या इस तरीके से, ले लो वन टू थ्री फोर फाइव तक ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये दोनों को देखने से तो लग रहा है ना कि क्या है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियर, मतलब ए का सारा एलिमेंट है वो किस में है, बी में भी है, ठीक है। अब ये दोनों को देखो, बी और सी को, बी का सारा एलिमेंट किस में है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, ठीक है, बी का सारा एलिमेंट किस में है, सी है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब ये कह रहा है ए सी का सबसेट, मतलब ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, सी में, ठीक है, तो वन यहां पर टू है, सी में भी टू है, दैट मीन्स देयरफॉर क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है, ध्यान देना ये क्या है, लग रहा होगा कि ट्रू होगा या फॉल्स, सबसे अच्छा होता क्या है इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, तो जो जैसा कह रहा है वैसा कह दो, मान लो ए इज इक्वल टू हमने ले लिया एक जीरो जीरो, हाँ जीरो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, चलो, और बी क्या है, बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब बी जीरो के अलावे कुछ भी ले लो टू थ्री, ठीक है, और सी बी होना चाहिए वो सी का सबसेट नहीं है, तो सी एक हम लोगों ने ले लिया क्या, मान लो हम लोगों ने ले लिया टू फाइव जीरो सिक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर ए क्या है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये तो क्लियर है क्योंकि जीरो बी में नहीं है, ठीक है, और
फिर बी भी क्या है, बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी का भी सारा एलिमेंट सी में अवेलेबल नहीं है। अब क्या कह रहा है, अगर ऐसा होगा देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ये चेक करना है। मतलब देखो, ए का एलिमेंट सी में नहीं होगा तभी सबसेट नहीं होगा, ध्यान दो। तो ये ए में जीरो है, अब तो सी में भी जीरो आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो यहां पर कंडीशन दे रहा है वो निकला हम लोगों का ए इज अ सबसेट ऑफ सी, लेकिन स्टेटमेंट इज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, दैट मींस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या निकला हम लोग का, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर ध्यान से बनाएंगे तो सही है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात होती है। अब देखो फाइव है क्या, इफ एक्स बिलोंग टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन एक्स डजेंट बिलोंग टू बी, ये देखना है। तो मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया 0, 1। ठीक है, एक एलिमेंट की बात करें तो 0 यहां पर बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। एक दूसरा हम लोगों ने सेट लिया, वो ले लिया 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहां पर ये दोनों की बात करेंगे सेट ए और बी की, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, गिवन है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे पहुंचना क्या है कि ये जो एक्स है वो बी से बिलोंग्स करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ये 0 ए से बिलोंग कर रहा है, अगर 0 की ही हम लोग बात करेंगे तो वो बी से बिलोंग कर रहा है क्या, बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब 0 डजेंट बिलोंग टू बी, और यहां पर कह रहा है क्या कि 0 बी से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये भी आ गया हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, आप कहेंगे क्या कि सर यहां तो ए था ना, ए वन था और यहां भी वन है, तो आप कैसे, आपने कैसे कह दिया कि वन बिलोंग नहीं कर रहा है बी से। तो देखो बाबू, दो हम लोग सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, अगर यहां पर वन लिया ना तो सारे जगह वन लेकर चलेंगे। ठीक है, 0 लिया है तो 0 सारे जगह लेकर के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, वो क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डजेंट बिलोंग टू बी देन एक्स इज ऑल्सो डजेंट बिलोंग टू ए। तो समझो, पहले हम लोग एक सेट ए लेते हैं 1, 2। ठीक है, बी इसका सेट बना लेते हैं 1, 2, 5, 6, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए एक सबसेट है बी का। अब देखो, एक्स डजेंट बिलोंग टू बी, अब एक कोई एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, सपोज 4 ले लिया हमने, 4 अगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 है क्या इसमें, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो 4 ऑटोमेटिकली ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, तो बी क्या, बी को हम लोग क्या कहेंगे, ए का सुपरसेट, और बी में क्या होगा, ज़्यादा एलिमेंट्स होगा, और उन एलिमेंट्स को छोड़कर अगर कोई किसी की बात करेंगे बी में नहीं होगा तो वो ऑलरेडी ए में भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या निकला, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, सोच दैट B इक्वल्स टू C, दैट मीन्स B और C को हम लोगों को क्या करना है, इक्वल सेट प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले हम लोगों के पास क्या है, गिवन दैट A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि A यूनियन B, ठीक है, इधर भी इंटरसेक्शन B और इधर भी इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहले भी बताया मैंने कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, ये बार बार 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलने लगेगा। ठीक उसी तरीके से इमेजिन कीजिए कि 10th में हमने ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ा था, वहाँ पर कहीं कहीं पर साइन थीटा से डिवाइड करते थे हम लोग, कहीं कहीं पर कोस थीटा से, तो वो कैसे डेवलप हुआ था, वो थिंकिंग प्रैक्टिस से। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब देखिए, ये ए यूनियन बी और उसका इंटरसेक्शन है बी के साथ। ठीक है, तो इसका जब भी यहाँ पर कोई भी दो सेट्स में से यहाँ पर का सेट अगर मैच कर जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन जो रिपीटेशन होता है जिस सेट का वही होता है। ठीक है, कैसे, समझ लो कि
ए इज इक्वल टू वन है, ठीक है, बी इज इक्वल टू वन टू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी अगर हम लोगों ने निकाला तो क्या आएगा, वन और टू ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन किसका, बी के साथ, बी के साथ भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वन और टू ही आएगा जो कि बी है। तो यहाँ पर तो आ गया बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे मल्टीप्लाई की तरह, ए का मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन बी के साथ, और ये क्या बीच में यूनियन, फिर सी का इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, ठीक है। तो हमारा b इज इक्वल टू आया है वो क्या है, a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b, इसका यूनियन है किसका, c इंटरसेक्शन b के साथ, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो आ गया हमारा, फिर से दूसरा रिजल्ट के लिए हम लोग अगेन कर लेते हैं। अगेन वी हैव a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c। इससे पहले हमने इंटरसेक्शन बी के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन किसका, सी के साथ। तो देखो ये अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे ए यूनियन, सॉरी फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन किसके साथ, B इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर से देखो यहाँ पर A यूनियन C है और इसका इंटरसेक्शन फिर C के साथ है, यानी कि यहाँ भी दो सेट क्या रिपीट कर गया, दैट मीन्स इस तरह के इस एग्जाम्पल से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये किसका वैल्यू आएगा, C का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से तो B का वैल्यू ये आया और C का ये आ रहा है, ठीक है। अगर किसी तरीके से दोनों ये टर्म मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, B इक्वल्स टू C, ठीक है। तो देखो यहाँ पर C इंटरसेक्शन B और यहाँ पर B इंटरसेक्शन C दोनों सेम है, ठीक है, इधर से इंटरसेक्शन निकाले या उधर से, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ A इंटरसेक्शन C है और यहाँ A इंटरसेक्शन B है, तो उसके लिए रिलेशन आपको दिया, देखिए ये कि ये A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C है, गिवन है ऑलरेडी, अगर नहीं गिवन रहता तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं सॉल्व होता। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी। कहाँ इसको लिख देंगे, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, काउजल में लिख देंगे ये इक्वेशन टू। देन वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या कह सकते हैं, B इक्वल्स टू C, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया था कि ये गिवन सेट को, गिवन वैल्यू को क्या किया हमने, इंटरसेक्शन B से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा क्या रिलेशन आया ये, फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया किससे, इंटरसेक्शन C के साथ, तो वैल्यू आया ये, दोनों सेम वैल्यू मिला, तो B इक्वल टू सी,